हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का पेपर है पीजीसीएल का, ओके, जो कि आपके इम्पोर्टेंट होगा पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए और पीएसटीसीएल के लिए और डीएफसीसीएल के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो भी कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप ये मत समझिए कि टेक्नीशियन का पेपर है, ठीक है। इसमें से जब आप क्वेश्चन कुछ देखेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे लेवल के भी हैं इसमें क्वेश्चन, जो कि आपके ट्रेनिंग वगैरह के लिए पूछे जाते हैं। तो अ हाइड्रोमीटर इज यूज टू टेस्ट द, यू नो वेरी वेल दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी वी मेजर फ्रॉम दिस हाइड्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड इंसुलेटर। तो अब क्वेश्चन देख के आप समझ रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके जूनियर इंजीनियर और कभी कभी असिस्टेंट इंजीनियर के भी, क्योंकि तो अब जो पेपर्स अपग्रेड हो रहे हैं वो टेक्नीशियन हो चाहे वो ट्रेनी हो, सारे पेपर के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से उठा लेते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक इंसुलेटर कैसा होना चाहिए, एक गुड इंसुलेटर। तो अ गुड इंसुलेटर हैव अ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड अ हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, फेज सिक्वेंस इंडिकेटर इज यूज टू आइडेंटिफाई फेज सिक्वेंस इन अ, सो फेज सिक्वेंस इंडिकेटर क्या होता है, इट इज यूज इन दी थ्री फेज सप्लाई, बिकॉज यू नो दैट आर वाई वी इज देयर इन थ्री फेज सप्लाई एंड द थिंग इज दैट 120 डिग्री एंगल इज बिटवीन दी थ्री फेजेस, सो फेज सिक्वेंस वी कैन इंडिकेट बाई दी फेज सिक्वेंस इंडिकेटर इन थ्री फेज सप्लाई। इंसुलेशन ऑफ लो टेंशन केबल इज टेस्टेड एट वोल्टेज ऑफ, तो इंसुलेशन ऑफ लो टेंशन केबल जो है वो 1100 वोल्ट की है। बाकी आप इंसुलेशन जो केबल की देखना चाहते हैं तो आप 2-3 दिन पुराना वीडियो है वहां पर जाके आप सारी केबल्स की वैल्यूज जो हैं वो वहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि लो टेंशन, हाई टेंशन, उसके बाद एक्स्ट्रा सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स की आप वैल्यूज और रेटिंग्स वहां पर जाके आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार की रेटिंग्स आपको अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट, सिलिकॉन, बोरोन एंड जर्मेनियम आर विच टाइप ऑफ मटेरियल्स, तो आप जानते हैं कि ये क्या है, सब आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर की तरह इसको लीजिए, क्वेश्चंस आप जल्दी जल्दी करते जाइए। किटकैट फ्यूजेस किसके बने हुए होते हैं, तो पॉर्सलिन के बने हुए होते हैं, ओके। सो विच टाइप ऑफ लैम्प इज प्रेफर्ड फॉर द सोलर लैम्प, तो एलईडी जो है इज प्रेफर्ड फॉर द सोलर लैम्प। यू नो आपने देखा होगा छोटे छोटे सोलर लैम्प जो आते हैं उसमें जलने के लिए क्या लगा होता है, सोलर एप्लीकेशंस के लिए, तो एलईडी वहां पे हम अप्लाई करते हैं। परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज यूज फॉर दी, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का जो यूज होता है इट इज यूज फॉर द सीलिंग एंड टेबल फैन। एमीटर की रेंज हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तो एमीटर की रेंज जो है एक्सटेंड कर सकते हैं हम शंट इन पैरेलल। ये क्वेश्चंस कई बार हमने सॉल्व किया है, ओके। आप देख सकते हैं कि हर पेपर में रिपीटेशन अलाउड होता है, कहीं ना कहीं से कहीं क्वेश्चन भी कहीं से भी आ जाता है, ठीक है। किसी भी पेपर में से आप उठा के देख लीजिए, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो रेंज ऑफ एमीटर कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, शंट यानी कि पैरेलल में क्या करना है, कनेक्ट करना है शंट इन पैरेलल, ठीक है। उससे हमारी क्या हो जाएगा, एमीटर की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज यूज ऑन अ 132 kV ट्रांसमिशन लाइन, डिस्क टाइप, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका वीडियो भी रेटिंग्स वाले वीडियो में डाला हुआ है जो कि पावर सिस्टम सेक्शन में है, ठीक है। जैसे 33 kV आपके पिन टाइप का, डिस्क टाइप का 132 kV, ठीक है, बिलो 650 वोल्ट का आपका, ठीक है। तो ऐसे जो रेटिंग्स है आपके इंसुलेटर की उनका वीडियो भी आपके डाला हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं, बाकी रेटिंग्स आप याद कर लें। नेक्स्ट है, फॉर एक्सटेंशन ऑफ द रेंज ऑफ द एम्पियर मीटर एंड वोल्ट मीटर द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड एस एम्पियर मीटर इन पैरेलल एंड एस वोल्ट मीटर इन सीरीज। तो ये इससे आप अच्छे खासे वाकिफ होंगे कि एम्पियर मीटर जो है आपका और वोल्ट मीटर है, जब आप रेंज को एक्सटेंड करते हैं, तो अभी हमने देखा था शंट यानी कि पैरेलल में एम्पियर मीटर्स के लिए और वोल्ट मीटर के लिए सीरीज में हम कनेक्शन करते हैं रेजिस्टेंस को, ओके। आपसे पूछा गया रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करते हैं, तो फॉर द एमीटर पैरेलल एंड फॉर द वोल्ट मीटर इज इन सीरीज। इन अ सीरीज सर्किट द करंट फ्लोज
इन हाउ मेनी डायरेक्शंस। सीरीज सर्किट में आपका करंट फ्लो होता है इन अ वन डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि कोई वो नहीं होती है, कोई आपका पैरेलल कनेक्शन नहीं है, तो जिससे कि आपका करंट क्या हो रहा है, डिविजन डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सो वन डायरेक्शन। इन अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ एनी इंस्टॉलेशन व्हाट शुड बी द मेगर रीडिंग इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो आपसे पूछा गया है शॉर्ट सर्किट इन द केस इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। इंस्टॉलेशन के समय किसी भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब आप अप्लाई करते हैं तो व्हाट शुड बी द मेगर रीडिंग इन शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो आप देख ही सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा, तो मैगर की रीडिंग कितनी होगी आपकी, जीरो, क्योंकि मैगर क्या करता है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपका किस टाइप का ट्रांसफार्मर है, तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जनरली विच मेथड ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड इन इंडिया, प्लेट एंड पाइप अर्थिंग। तो आपके घर में जैसे प्लेट एंड पाइप अर्थिंग लगाते हैं तो उसमें कोयला चारकोल वगैरह उसको डाल के, नमक वगैरह डाल के उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आपके घर वगैरह में प्लेट एंड पाइप अर्थिंग की जाती है। हाउ इज पोल कैलकुलेटेड, पोल पिच कैलकुलेटेड। तो पोल पिच कैलकुलेटेड आप जानते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स पर पोल, ओके। स्पार्किंग अकर व्हेन अ लोड इज स्विच्ड ऑफ व्हेन द सर्किट हैज हाई इंडक्टेंस। तो जब सर्किट आपका कोई सा भी सर्किट आपके बोर्ड लगा हुआ होता है, जब आपकी हाई इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होगी तो आपका स्पार्किंग क्या होगा, अकर होगा, बिकॉज ऑफ ड्यू टू दैट इंडक्टेंस प्रॉपर्टी और दैट इंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी। स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज अचीव्ड बाय। तो स्पीड कंट्रोल जो है आपका यूनिवर्सल मोटर का, वो कैसे अचीव्ड होगा, वाई वेरिंग दी फील्ड फ्लक्स विद टेप्ड फील्ड वाइंडिंग्स, ठीक है। तो यूनिवर्सल मोटर आप जानते हैं एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल होगी, तो उसके फील्ड फ्लक्स को आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है, विद दी टेप्ड फील्ड वाइंडिंग्स। उसकी जो वाइंडिंग्स होती है वो टेपिंग से होती है, जिससे कि उसका सेचुरेशन लेवल रिड्यूस रहे। स्टेपर मोटर्स आर मोस्टली यूज फॉर। तो स्टेपर मोटर्स का जो एप्लीकेशन होता है वो आपका कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशंस में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेपर मोटर कहाँ का यूज होती है, ठीक है। तो आप जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ते होंगे तो उसमें कई सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं क्लोज लूप सिस्टम में, वहां पे हम स्टेपर मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि स्टेपर मोटर स्टेप साइज पे डिपेंड करती है, जिससे कि आपकी जो वर्किंग होती है वो काफी एफिशिएंट होती है। हाउ मेनी डीसी मोटर स्टार्टर्स आर देयर। ओके, तो डीसी मोटर के कौन कौन से स्टार्टर होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। तो आपको जैसे याद ही होगा, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, और एक होता है आपका डीसी सीरीज मोटर स्टार्टर, जिसमें हम रेजिस्टेंस की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्टर का मतलब क्या है, लिमिटिंग करना करंट को, ठीक है, टॉर्क को इम्प्रूव करना। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर आपसे पूछा गया है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर कितना होता है, 29। एन इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्सेस इज कॉल्ड। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल किसमें अकर होती है, आपकी एसी साइकिल में। तो एसी करंट आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक सीआरओ में विथ अ स्वीप टाइम ऑफ 10 मिलीसेकंड अक्रॉस द स्क्रीन द अप्रोक्सीमेट हॉरिजॉन्टल सॉटूथ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, 1/टाइम, तो 1/10 मिलीसेकंड आपका क्या आंसर आएगा, 100 हर्ट्ज। अ थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी स्टार्टेड विथ आ, ठीक है। तो थ्री फेज इंडक्शन, थ्री फेज SCIM आपकी जो मोटर होती है वो कैसे स्टार्ट होगी, आपकी दोनों डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की हेल्प से और साथ ही साथ स्टार डेल्टा स्टार्टर। इन द मूविंग सिस्टम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हेयर स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ। तो जो मूविंग सिस्टम होता है आपका, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो मेजरिंग सिस्टम का जो मूविंग सिस्टम है वो आपका बना हुआ होता है, उसमें जो हेयर स्प्रिंग होती है वो बनी हुई होती है आपकी फॉस्फर ब्रॉन्ज की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपके, एक क्वेश्चन आपके एक वीडियो आपका इसके ऊपर भी बनेगा कि कौन सा मटेरियल जो होता है
वो किस चीज का बना हुआ होता है। तो जैसे आप जानते हैं ट्रांसफार्मर से कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, आपके मशीन में पूछ लेते हैं कि सिलिकॉन स्टील का कौन सा मटेरियल आपका बना हुआ है, योक किसका बना हुआ है, ठीक है, रोटर किसका है, स्टेटर किसका है। अब इंस्ट्रूमेंट से भी आपसे पूछ लेते हैं कि हेयर स्प्रिंग किसकी बनी हुई है, ठीक है, पीएमएमसी में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, मूविंग आयरन में कौन सा यूज हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज क्या होगा आपका आंसर, द गैस यूज इन द हेलोजन लैंप्स। तो हेलोजन लैंप्स में आप देख ही रहे हैं हेलोजन ही यूज होगी। टू वे स्विचेस आप कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, तो टू वे स्विचेस जो होता है वो आपके स्टेयर केस वायरिंग में यूज होती है। टू वे स्विचेस से मतलब यह है कि आपका एक्सोर गेट आपका यूज होता है, ठीक है, एक्सोर का एप्लीकेशन भी टू वे स्विचेस का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्टेयर केस में सबसे डाउन में खड़े हुए हैं तो वहां से आप लाइट को ऑन कर सकते हैं और ऊपर जाके ऑफ कर सकते हैं, और वाइस वर्सा भी आपका ट्रू है। आयरन, निकल और कोबाल्ट आपके फेरोमैग्नेटिक मेटल्स हैं, ठीक है। ये वीडियो भी आपका जो पैरा फेरो और डाया का जो वीडियो है ये भी बहुत पहले हम करा चुके हैं, आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, बहुत पुराना वीडियो है, आगे भी इसको कराएंगे, ठीक है, अच्छे से। ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कब वर्क करता है, तो आप ये बहुत बार कर चुके होंगे, रट चुका होगा ये, आयरन लॉस इक्वल्स टू कॉपर लॉस। द मास ऑफ अ मटेरियल डिपोजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड एज, ओके, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड में द मास ऑफ द मटेरियल जो डिपोजिट होता है, मतलब उस पर जो जो मटेरियल का जो मास है वो इलेक्ट्रोड पर जो लगता है, आप देखते होंगे, ठीक है, वेल्डिंग वगैरह जब आप इस चीज जब आप करते हैं, ठीक है, उस समय आपको पता लगता होगा कि जो इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये एक प्रकार का रेशियो की तरह वर्क करता है कि जो आपने इलेक्ट्रिसिटी जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी है और जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उसके ये प्रोपोर्शनल होती है, ओके। अब पोकर इज यूज टू, इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं, मेक पायलट होल्स टू फिक्स्ड वुड स्क्रूज। तो एबीसी सिस्टम है जो कि फर्स्ट एड में होता है, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये एबीसी सिस्टम है आपके फर्स्ट एड का। हाँ, ये क्वेश्चन, इन अ थ्री फेज स्टार्टिंग मोटर इंडक्शन मोटर द डबल केज रोटर इज यूज फॉर, आपने देखा होगा इंडक्शन मोटर के केस में एक डबल केज रोटर को हम यूज करते हैं, तो उसका एप्लीकेशन है कि हम डबल केज इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको जैसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क ऑब्टेंड हो। द एफिशिएंसी ऑफ अ सेल कैन बी कंसिडर्ड इन, ठीक है, तो एम्पियर हावर क्या होगी आपकी एफिशिएंसी एक सेल की। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक पोटेंशियल इन अ मैग्नेटिक सर्किट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होगा आपका एमएमएफ, ठीक है, एमएमएफ क्या होता है मैग्नेटिक सर्किट में, एन इंटू आई यानी कि एम्पियर टर्न्स आपको डिफाइन करता है एमएमएफ, ठीक है। द पावर फैक्टर ऑफ डीसी सर्किट आप अच्छे से जानते हैं, इट्स यूनिटी। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट्स ऑफ द एटमोस्फेयर, सरफेस स्टेट्स ऑफ द कंडक्टर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द लाइन वोल्टेज वैल्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कोरोना, ओके। तो एक्चुअली आप जानते हैं कोरोना में क्या होता है, केसेस क्या अकर होते हैं, फिजिकल स्टेट एटमोसफेयर का बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए पहला पॉइंट वही दिया है। सरफेस स्टेट ऑफ कंडक्टर बदल जाती है, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड लाइन वोल्टेज ये सब चीजें क्या है रिस्पॉन्सिबल है आपके किस लिए, कोरोना के प्रोडक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज अ नियर जीरो टेम्परेचर कॉफिशियंट, तो आंसर इस होगा आपका मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज क्या है इट्स जो टेम्परेचर कॉफिशियंट की वैल्यू होती है वो जीरो के नियर होती है। यूरेका वायर आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, तो जब भी वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो वो आपका क्या होगा यूरेका वायर। इन इंडक्शन मोटर्स परसेंटेज स्लिप इज फाउंड इन द रेंज ऑफ 1 to 5%, द करेक्ट फेज सिक्वेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज रेड, येलो एंड ब्लू, ओके, ऑल्टरनेटर केस पूछ रहा है इसलिए रेड, येलो एंड ब्लू। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इंडिकेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन,
सो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट टू होता है आपका एम इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू टी। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये सब थियोरिटिकल क्वेश्चन है, वैसे तो मैं इसके भी करता हूँ, खुद पढ़ता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है। इससे आपके इनमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपके पीजीसीएल के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पेपर पीजीसीएल का। ओके, हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर मेड अप ऑफ, ठीक है, आप लेवल देख सकते हैं क्वेश्चनों का। तो निकल क्रोम इज द आंसर, सीआरओ की फुल फॉर्म अच्छे से आपको आती होगी। सीरीज सर्किट है, टोटल रेजिस्टेंस है आपका 100 ओम, द फर्स्ट टू रेजिस्टेंस है आपके 30 ओम और 50 ओम, आपसे तीसरा रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल रेजिस्टेंस 100 है, R1 आपका 30 है, R2 आपका 50 है, तो 100 माइनस 30 प्लस 50 यानी कि 100 माइनस 80 कितना होगा, तो R3 की वैल्यू आई है आपकी 20 ओम। ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपके वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करता है। वाइंडिंग ऑफ अ जनरेटर हैज टू एंड्स, वाइंडिंग ऑफ अ थ्री फेज जनरेटर हैज अ टोटल ऑफ 6 एंड्स, These ends can be connected in any of the two styles. तो ये सब आप जानते हैं कि windings के connection कैसे होते हैं, या तो स्टार में होंगे या फिर डेल्टा में। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइडेड इन थ्री मेन पार्ट्स, नेमली तो डिफ्लेक्टिंग टाइप पढ़ा होगा आपने, रिकॉर्डिंग टाइप और इंटीग्रेटिंग टाइप। इन तीनों टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये तीन प्रकार में आपके क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो टीडी, ठीक है, जो आप डिफ्लेक्टिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डिफ्लेक्ट करते हैं, दूसरा रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है, जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर, और तीसरा होता है आपका इंटीग्रेटिंग टाइप जिसके अंदर एम्पियर हावर मीटर आ जाता है, ठीक है, जो कि इंटीग्रेटिंग क्या होता है आपके, डिफ्लेक्टिंग और रिकॉर्डिंग का कॉम्बिनेशन होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स वेवर यूनिट है उसकी, फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर सर्किट इज, तो जब वो स्टैंड स्टिल की पोजिशन पर होता है, ठीक है, तब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में आपका कुछ भी लोड का इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिससे कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, मैक्सिमम। वीआईआर का फुल फॉर्म वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। बोलोमीटर जो होता है वो 500 MHz से फ्रीक्वेंसी जो पावर, हाँ, इट्स यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर एट 500 MHz। तो जो बोलोमीटर होता है वो पावर को मेजर करता है अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है 500 MHz से ऊपर है। पॉजिटिव आप जानते हैं एनोड, और नेगेटिव इट्स कैथोड। एन इलेक्ट्रिकल वर्क सोल्डर, ये भी एसएससी जेई के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कि इज प्रैक्टिकली ऑलवेज एन एलॉय ऑफ द लेड एंड द टिन। वायरिंग, तो वायरिंग से भी आपसे एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डक्ट वायरिंग आपसे पूछा गया है कि अदर नेम क्या है अंडरग्राउंड कंडुइट पाइप वायरिंग का, तो डक्ट वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग इसका क्या है दूसरा नाम। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड ए आर्मेचर रिएक्शन। फॉर अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अ सेंट्रिफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड टू सीरीज टू स्टार्टिंग वाइंडिंग, और उसको 75% पे आप जानते हैं अच्छे से, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कट आउट कितने परसेंट पे करते हैं, तो 75% या फिर 3/4 ऑफ द वैल्यू। एक सिंगल फेस रिपल्शन मोटर जो होती है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, इज हाई एट द हाई स्पीड। आरएमएस वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आरएमएस वैल्यू आप अच्छे से निकाल लेते हैं, ठीक है। बी आरएमएस क्या होता है आपका, बीएम अपॉन √2, ठीक है। तो बीएम अपॉन √2 कैसे निकालेंगे आप, बहुत आसान है, आपको मैक्सिमम यानी कि पीएम की वैल्यू आपको गिवन है 10 गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछी गई है आरएमएस की वैल्यू, 10/√2 जब आप करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 7.07। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द बिलो इज द डीमेरिट ऑफ द एडी करंट, तो एडी करंट का एक डीमेरिट है जो कि अननेसेसरी हीट को प्रोड्यूस करता है, ये क्या आपका एडी करंट की डीमेरिट। नेक्स्ट, द करंट कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर वायर हैविंग ट्वाइस द डायमीटर ऑफ अनदर कॉपर वायर इज, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ए 4 टाइम्स ऑफ द एस ग्रेट होगा, क्यों, बिकॉज जो करंट कैपेसिटी है कॉपर वायर की
हैविंग द ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द अनदर कॉपर वायर, तो एरिया क्या होता है आपका आर स्क्वायर के फॉर्म में होता है, पाई डी वाई टू और पाई आर स्क्वायर। तो जब आप ट्वाइस को डायमीटर को रेडियस के हिसाब से लेंगे तो टू का स्क्वायर क्या होगा आपका फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉकेज, तो प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए। फॉर्म फैक्टर आप जानते हैं 1.11, आरएमएस अपॉन एवरेज वैल्यू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली हैज अ लो रेजिस्टेंस, जानते हैं आप एमीटर हो सकता है, ठीक है। अ थ्री फेज सप्लाई कैन बी चेंज्ड इनटू अ टू फेज सप्लाई विद द हेल्प ऑफ द स्कॉट कनेक्शन, ओके। एन एसी एंडिंग एज अ फोर पोल हैज अ 24 स्लॉट्स, द पोल पिच वैल्यू इज, तो स्लॉट्स पर पोल आप कर देंगे तो 24/4 आपका आंसर आएगा 6। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज टू चार्ज द बैटरी, आपको ये क्वेश्चन तो रट लेना चाहिए क्योंकि ये कई बार एसएससी जेईई में पूछा गया है, तो आंसर है आपका शंट। इन अ ब्रशलेस अल्टरनेटर देयर आर टू अल्टरनेटर्स ऑन वन शाफ्ट, ठीक है, एक शाफ्ट पर दो अल्टरनेटर्स कनेक्ट होती हैं आपके ब्रशलेस अल्टरनेटर में, तो कौन कौन सी हो सकती है, तो मेन अल्टरनेटर और दूसरा होता है एक्साइटर, ठीक है। अ पिन वाइस इज यूज्ड फॉर, सो आर होल्डिंग वेरी स्मॉल जॉब्स लाइक पिंस। नेक्स्ट इज ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, यू नो वेल आंसर इज पावर फैक्टर। एक्सएलपी का जो परफॉर्म होता है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन इज द आंसर। फॉर अ सिंगल पेज इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल एंगल बिटवीन द स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग, और तो आपका आंसर होगा 90 डिग्री, अब ए बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड ड्राई सेल इज अमोनियम क्लोराइड, देखिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलते जा रहे हैं आप ये मत सोचिए कि इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो ड्राई सेल्स सेल्स के जो क्वेश्चन होते हैं एसएससी जेईई में और डीएमआरसी के पेपर में कई बार आपने देखे होंगे, तो इनको भी आप याद कर लेना या फिर लिख लेना अच्छे से कि इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द ड्राई सेल इज द अमोनियम क्लोराइड। द एक्साइटिंग कॉइल्स ऑफ एनी डीसी मशीन आर वाउंड अराउंड द पोल्स, तो एक्साइटिंग कॉइल्स जो होती हैं आपके डीसी मशीन में उनको कहां बांधा जाता है, पोल्स के अराउंड वहां पे आपको बाउंड किया जाता है। The direction of the rotation of a universal motor can be reversed by, so it can be reversed by the interchanging of the brush leads. Next question is the a DC shunt generator has the slightly drooping characteristics. ठीक है, drooping characteristics आप अच्छे से जानते होंगे, कुछ इस प्रकार के आपके characteristics बनती है DC shunt generator की, जो कि show करती है आपकी DC की शो करती है आपकी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगर इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ पोल्स डबल हो जाए तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो पोल्स डबल होंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी हाफ, क्योंकि ns equals to 120 f upon p होता है, तो ns के आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पोल्स के। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आप अच्छे से जानते हैं, इट्स अ कंडक्टेंस। लो रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है केल्विन डबल ब्रिज के द्वारा। थिकनेस ऑफ लेमिनेशन होती है लगभग 0.5 mm। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज रेजिस्टेंस। ऐसा लग रहा है आप पढ़ते जाएंगे ना पेपर, आपके आंसर बनते जाएंगे, ये आपके लिए कम से कम 25 से 30 मिनट का ही पेपर होगा, ठीक है। इन अ थ्री फेज कॉइल कूल्ड पावर ट्रांसफार्मर द डिवाइस कंजर्वेटर ब्रीदर एक्सप्लोजन बैंड एंड बुकोल्ज रिले, क्या है आपकी सारी प्रोटेक्शन की डिवाइसेस हैं। स्पीड का फॉर्मूला पूछा गया है। Which type of a bulb is used in a line tester? तो neon का बल्ब जो होता है वो line tester के लिए use करते हैं। Dry cell में कौन सा electrolyte होता है? तो अभी हमने देखा था ammonium chloride। अब आपसे formula पूछ लिया है। तो NH for Cl। A device that changes DC supply to AC supply is inverter, ठीक है? AC to DC is rectifier, DC to DC is converter। The resistance of a shunt winding is more than the series and the armature। ओके, शंट वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज और आर्मेचर से ज्यादा होता है। कम्यूटेटर सेगमेंट्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द माइका। व्हिच मोटर इज यूज्ड फॉर द ट्रैक्शन वर्क, तो अच्छे से जानते होंगे हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, डीसी सीरीज मोटर का। जब आपका फील्ड सिंक्रोनस मोटर का ओवर एक्साइटेड है तो पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग। सिंक्रोनस मोटर जो ऐसी मोटर है जो लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पे वर्क यानी कि ऑपरेट करती है। अगर किसी डीसी मोटर का रोटेशनल डायरेक्शन को चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, उसके या तो फील्ड को रिवर्स कर दिया जाए या फिर उसके आर्मेचर को किसी भी कनेक्शन को रिवर्स आप कर सकते हैं। परमानेंट पीएमएमसी आपके डीसी पे वर्क करता है, ठीक है। एसीएसआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है।
ऑल्टरनेटर्स वर्क ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ फैराडेस लॉ। ठीक है, एक वर्ड अगर सिटिंग है एक लाइन कंडक्टर पे तो थ्री फेस लाइन की, तो उसको करंट नहीं लगेगा क्योंकि जब तक वो दूसरी लाइन को टच नहीं कर लेती एक साथ। ठीक है, मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर द बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। नेक्स्ट, फॉर एन इंडक्शन मोटर विद द पावर ऑफ 10 HP द इंडक्शन मोटर स्टार्टर विल बी। तो 10 HP की जो मोटर होती है उसमें हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल फायर शुड ओनली बी एक्सटिंग्विश्ड बाय दी यूज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर्स। नेक्स्ट है एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज का जो फॉर्मूला वो फुल फॉर्म होता है वो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है। वर्क डन बाय अ स्टार्टर इन अ डीसी मोटर इज टू कंट्रोल दी स्टार्टिंग करंट। हमने अभी पहले ही क्वेश्चन देखा था ये। द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर और डीसी जनरेटर इज कॉल्ड दी मोटर जनरेटर सेट। ओवरलोड प्रोटेक्ट्स अ मोटर फ्रॉम दी ओवर करेंट। इन अ इंसुलेशन टेस्ट वाई मेगर बिटवीन फेस टू फेस एंड फेस टू न्यूट्रल रेजिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 1 MΩ। क्योंकि आप मेगर से, जब आप मेगर का काम ही है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करना, और वैल्यू कम से कम 1 MΩ होनी चाहिए जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करेंट। द करेंट कॉइल ऑफ अ सिंगल फेस एनर्जी मीटर इज वाउंड ऑन द बोथ द लिंब्स ऑफ द लेमिनेटेड कोर विद द सेम नंबर ऑफ टर्न्स। 90 डिग्री एंगल्स को जो मेजर करता है एक्यूरेट वो होता है आपका ट्राई स्क्वायर। द वोल्टेज सप्लाइड बाई 1 सेल ऑफ लेड एसिड बैटरी इज अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट। विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज इन इलेक्ट्रिकल मिक्सर। तो आप जानते हैं एसी और डीसी पे वर्क करने वाली यूनिवर्सल मोटर। विच टू मेजर पार्ट स्टेटर और रोटर, कोई बताने की जरूरत नहीं इलेक्ट्रिकल मशीन में। ठीक है, यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स ल्यूमेन। द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंटेड एंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए टॉलरेंस। तो वो टॉलरेंस वैल्यू आप जानते हैं, जैसे कि +-2%, +-5%, वो आपकी टॉलरेंस वैल्यू होती है। ठीक है, गीजर इलेक्ट्रिक और हीटर सारे किस पे वर्क करते हैं, हीटिंग इफेक्ट पे। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ब्रशेस इज नॉट अ पार्ट। सेंट्रिफ्यूगल स्विच अभी हमने बोला था 3/4 पार्ट, यानी कि 75%। पीक वैल्यू आपको गिवन है, आरएमएस वैल्यू आपसे पूछी है, तो वीआरएमएस Vm/√2 आपको अप्लाई करना है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को हम रेजिडेंशियल रेजिडुअल सर्किट करंट सर्किट ब्रेकर के नाम से भी बोलते हैं। E=P5NZ/60A, विच कुछ जरूरत ही नहीं है। वेव वाइंडिंग A=2 और आपका लैप A=P। तो ये सब क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे आपके। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आप पंजाब स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो DFCCIL का एग्जाम हो और SSC JEE के लिए, आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस पेपर को भी आप लगा लीजिए, जिससे आपकी आगे के एग्जाम्स में हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में मैंने कुछ भी लिखा नहीं है ज्यादा, लिखा क्या लिखा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है और बहुत ही बेहद सिंपल है। बाकी के आप PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग के पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके पेपर मिलेंगे, आपको जितने भी PGCIL डिप्लोमा ट्रेनिंग के जो आपके पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं।